हेलो गाइस, हैप्पी लोहड़ी। तो यार आज ना मैंने लोहड़ी स्पेशल हलवा बनाया था, तो मतलब क्या हुआ कि ना पहले वाले शॉर्ट्स जो थे ना वो डिलीट हो गए, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है वीडियो। लेकिन मैं आपको ना पहले का सारा स्टेप्स बता देती हूँ, इसी से काम चला लेना। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि सूजी और चीनी का ना मैंने घोल बना लिया था, अच्छे से फैट लिया था। उसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ी रखनी है ना ज़्यादा पतली रखनी है, ठीक है। फिर उसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए उसको रेस्ट पे डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जब वो रेस्ट हो जाएगा तो वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, आप उसको ना अच्छे से मिक्स कर लेना। तो हमारे पास एक सूजी और चीनी का बैटर रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर एक कढ़ाई में देसी घी ले लेना 2 से 3 चम्मच। उसके बाद सूजी को अच्छे से ना भून लेना, इसके अंदर ऐसे दानेदार बनना चाहिए, एकदम बढ़िया सा बनता है, ठीक है। तो दानेदार बनता है, मैं रेगुलर वाला शीरा तो खाया हुआ, ये वाला ज़रूर ट्राई करना, ये थोड़ा अलग रेसिपी है। दानेदार हलवा बनेगा, इसको एकदम हिलाते रहना, चिपकना नहीं चाहिए कढ़ाई से, और इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। तो हिलाते रहोगे तो इस तरह से ये कुछ दानेदार सा अलग अलग हो जाएगा सूजी, है ना, चिपकेगा नहीं फिर। और सूजी ना अपना घी छोड़ देगी, जो एब्जॉर्ब करेगी वो छोड़ देगी, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर ये बन गया डार्क, मतलब ये गोल्डन ब्राउन हो गया, देखो ऐसे अलग अलग हो गया ना, इसका मतलब हमारी सूजी पक चुकी है और हलवा हमारा रेडी है। इसको सर्व कर लो, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल लो जो भी आपको अच्छे लगते हो, पिस्ता, काजू, किशमिश। मैंने यहाँ पे बादाम और काजू किशमिश ये सब ले लिया था, ऊपर से गार्निश करो और सर्व करो, इन्जॉय। सो हैप्पी लोहड़ी वंस अगेन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, एंड नए हो तो सब्सक्राइब। बाय।